कोरोना के नए वेरिएंट के भारत में एंट्री होने के बाद देश में दहशत का माहौल है। वहीं अब ओमिक्रॉन के तीसरे मामले की पुष्टि हो चुकी है। ओमिक्रॉन का तीसरा मामला गुजरात के जामनगर में सामने आया है। जिस युवक में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है वो 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जामनगर गया था। चूंकि यह शख्स एट रिस्क वाले देश से आया था इसलिए उसके सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की गई जिसमें वह ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। अब तक देश में 3 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के मामलों के बढ़ने के साथ ही लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला है। भारत ने डेल्टा वेरिएंट की तबाही को झेला है। कोविड की सेकेंड वेव की भयानक तस्वीरें जहन में आज भी ताजा हैं। ऐसे में अब ओमिक्रॉन से तीसरी लहर की आशंका जताई गई है तो लोगों का डरना लाजमी है। लेकिन सवाल उठता है कि लोगों का यह डर किस हद तक जा सकता है। कानपुर में एक शख्स ने अपने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतकों में आरोपी डॉक्टर की पत्नी, उसका बेटा और एक बेटी थी। हत्या के पीछे की वजह कोरोना का डर। कानपुर के डॉक्टर सुशील कुमार ने कोरोना के डर से अपनी पत्नी, बेटे और बेटी की जान ले ली। हत्या करने के बाद आरोपी ने एक नोट छोड़ा। अपने नोट में उसने लिखा, ओमिक्रॉन के आने के बाद अब और लाशें गिननी हैं, ये सबको मार डालेगा। डॉक्टर ने अपने नोट में ये भी लिखा, उसे कोविड रिलेटेड डिप्रेशन है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ओमिक्रॉन ने बड़े ही तेजी से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। वायरस ने अब तक 38 देशों को अपनी जद में ले लिया है। अफ्रीका में अब कोरोना मामले में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। अफ्रीका में सबसे ज्यादा संक्रमण का शिकार 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हुए। इसके बाद सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का संक्रमित होना चिंता की बात है क्योंकि भारत समेत कई देशों में अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया गया है। भारत में भी ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रही है। एट रिस्क वाले देशों से आए कई कोरोना मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जांच के बाद ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। WHO के दिए जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन से अभी तक एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नए वेरिएंट को कम आंका जाए। दुनिया भर के विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी अपना शिकार बना सकता है।